क्या कभी आपने सुना है कि किसी शख्स ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को सुई धागे से सिल दिया? जाहिर है नहीं सुना होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी ही खबर से रूबरू करवाने जा रहे हैं। दरअसल वो डॉक्टर है और उसे शक था कि उसकी पत्नी का किसी गैर मर्द से चक्कर चल रहा है। बस इसीलिए जब उसे कुछ नहीं समझ में आया तो उसने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को ही सिल दिया। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुलार और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम डिशन। ये शर्मनाक मामला मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में मौजूद रैला गांव का है। जानकारी के मुताबिक 24 अगस्त को झोलाछाप डॉक्टर कृपाल साहू ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को सिल दिया। दरअसल 52 साल की पीड़ित महिला ने पुलिस के पास शिकायत दर्ज कराई है कि पेशे से झोलाछाप डॉक्टर उसका पति रामकृपाल साहू उसके चरित्र पर शक करता है। पति को शक है कि पत्नी के नाजायज रिश्ते किसी गैर मर्द से है। बस क्या था, झोलाछाप डॉक्टर ने अपनी डॉक्टरी दिखाते हुए पत्नी के प्राइवेट पार्ट में टांके लगा दिए और उसे सील कर दिया। पत्नी रोती रही, बिलखती रही, लेकिन आरोपी पति ने उसकी एक ना सुनी और अपने काम में लगा रहा। पति के चले जाने के बाद पत्नी उसी हालत में थाने पहुंची और पुलिस के सामने सारी वारदात बयां की। महिला की बात सुनते ही पुलिस के भी पैरों तले जमीन खिसक गई। पहले तो पुलिस को भी उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन डॉक्टरी जांच के बाद साफ हो गया कि महिला के प्राइवेट पार्ट को सिलकर सील कर दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अधेड़ दंपत्ति के बच्चे हैं और उनकी शादी भी हो चुकी। महिला को तुरंत चिकित्सालय में भर्ती कराकर उसके निजी अंगों में लगे टांके कटवाए गए। वहीं पीड़ित महिला ने पुलिस से दरख्वास्त की है कि उसके पति को सिर्फ डांट कर छोड़ दिया जाए ताकि वो ऐसी हरकत दोबारा ना करे। इससे पहले इसी साल उत्तर प्रदेश के रामपुर से मामला सामने आया था। रामपुर में भी एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट को तांबे के तार से सिल दिया था। आरोपी को शक था कि उसकी पत्नी के किसी दूसरे शख्स से नाजायज रिश्ते हैं। आपको हमारी खबर कैसी लगी इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारी खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।